प्रश्न नंबर एक, आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? ए कांट को, बी हम्बोल्ट को, सी वारेनियस को, डी रिटर को। इसका सही उत्तर है वारेनियस को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर दो, वारेनियस की पुस्तक कौन सी है? ए कॉस्मॉस, बी सामान्य भूगोल, सी एंथ्रोपोजियोग्राफी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल वारेनियस की पुस्तक है। प्रश्न नंबर तीन, जापान और शाम का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ए हम्बोल्ट ने, बी रिटर ने, सी वारेनियस ने, डी कांट ने। इसका सही उत्तर होगा वारेनियस। प्रश्न नंबर चार, किसने सर्वप्रथम भूगोल को सभी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से पृथक किया था? ए कांट ने, बी लूसियन फेब्रे ने, सी जीन ब्रूंस ने, डी वारेनियस ने। इसका सही उत्तर होगा ए कांट ने भूगोल को सभी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से पृथक किया। प्रश्न नंबर पाँच, इनमें से कांट की पुस्तक है ए दी इग्ने, बी ऑन फायर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, दोनों ही कांट की पुस्तक हैं। प्रश्न नंबर छः, हम्बोल्ट कहाँ का निवासी था? ए यूनान, बी इटली, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा सी जर्मनी। हम्बोल्ट जर्मनी का निवासी था। प्रश्न नंबर सात, हम्बोल्ट की पुस्तक है ए द ऑकलैंड, बी एंथ्रोपोजियोग्राफी, सी कॉस्मोस, डी सामान्य भूगोल। इसका सही उत्तर होगा सी कॉस्मोस, हम्बोल्ट की पुस्तक है।